फिल्मी टॉक के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। बात करें आज की सबसे बड़ी खबर की तो 2019 में आई अजय देवगन की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म दे दे प्यार दे का सीक्वल आने वाला है। जी हां, पिंक विला के एक रिपोर्ट के अनुसार दे दे प्यार दे के राइटर लव रंजन और अजय देवगन ने एक मीटिंग की है, जिसमें लव रंजन ने अजय देवगन को दे दे प्यार दे 2 की स्क्रिप्ट सुनाई है और अजय देवगन ने इस फिल्म को फाइनल कर दिया है। आपको बता दें, दे दे प्यार दे 2 की कहानी इसके पहले पार्ट के आगे से ही देखने को मिलेगी, जहां हमें पहले पार्ट में जिसमें हमें आशीष की फैमिली आशीष और आयशा के रिलेशनशिप को कैसे एक्सेप्ट करती है ये दिखाया गया था, वहीं इसके दूसरे पार्ट में हमें आयशा के फैमिली के बारे में दिखाया जाएगा। आपको बता दें, अजय देवगन इस फिल्म की शूटिंग रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बन रही फिल्म सिंघम अगेन के बाद स्टार्ट करेंगे। अभी तक इस फिल्म की रिलीज डेट को अनाउंस नहीं किया गया है, तो देखना होगा कि अजय देवगन की इस फिल्म की रिलीज डेट क्या होती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे अजय देवगन और उनकी आने वाली इस फिल्म के बारे में? भाई बोल दो, सिर्फ उनको बताने के लिए मामा तो आ सकते हैं। नितिन रेड्डी की एक नई फिल्म की अनाउंसमेंट की गई है, जिसका टाइटल थमुडू रखा गया है और वहीं इस फिल्म को डायरेक्टर वेणु श्रीराम डायरेक्ट करने वाले हैं। डायरेक्टर वेणु श्रीराम ने ही पवन कल्याण की फिल्म वकील साहब को डायरेक्ट किया था और वहीं इस फिल्म को तेलुगु इंडस्ट्री के जाने माने प्रोड्यूसर दिल राजू प्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी तक ये अनाउंस नहीं किया गया है कि थमुडू में नितिन रेड्डी के अपोजिट कौन सी एक्ट्रेस देखने को मिलेगी, पर मेकर्स ने कन्फर्म किया है कि नितिन रेड्डी की इस फिल्म की शूटिंग सितंबर 2023 से स्टार्ट हो जाएगी और ये फिल्म हमें 2024 में देखने को मिलेगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे नितिन रेड्डी और उनकी आने वाली फिल्मों के बारे में? 2023 में आई शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म पठान जल्दी जापान में रिलीज होने वाली है। जी हां, पठान के मेकर्स ने यह पोस्ट डालते हुए बताया है कि शाहरुख खान की यह फिल्म जापान में 1 सितंबर 2023 को रिलीज होगी और जापान में इस फिल्म को लगभग 78 स्क्रीनों पर रिलीज किया जाएगा और इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 550 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन करके बॉलीवुड की सबसे हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली फिल्म बनी हुई है। तो आपको क्या लगता है, शाहरुख खान की फिल्म पठान का जापानी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना होगा, हमें कमेंट में बताएं? और क्या शाहरुख खान की फिल्म पठान जापान में RRR की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को तोड़ पाएगी या नहीं? बॉडी पठान के घर पे रखोगे तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आएगा। सुपरस्टार नागार्जुन के जन्मदिन पर उनकी एक नई फिल्म की अनाउंसमेंट की गई है, जिसका टाइटल नासामी रंगा रखा गया है। आप यहां पर इस फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर को देख सकते हैं। नासामी रंगा एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म होने वाली है, जिसे डायरेक्टर विजय बेन्नी डायरेक्ट कर रहे हैं। नासामी रंगा विजय बेन्नी की डेब्यू फिल्म होने वाली है और वहीं इस फिल्म में हमें MM किरवानी का म्यूजिक सुनने को मिलेगा। अभी तक इस फिल्म के बाकी स्टार कास्ट की अनाउंसमेंट नहीं की गई है, पर मेकर्स ने कहा है कि नागार्जुन की ये फिल्म हमें संक्रांति 2024 में देखने को मिलेगी। संक्रांति 2024 में ही महेश बाबू की मच अवेटेड फिल्म गुंटूर कारम भी सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। तो आप इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म के लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट में बताएं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मच अवेटेड फिल्म सेक्शन 108 के टीजर को रिलीज किया गया है। सेक्शन 108 एक क्राइम थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिसे डायरेक्टर रसिक खान ने डायरेक्ट किया है और वहीं इस फिल्म में हमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ रेगिना कैसेंड्रा लीड रोल में देखने को मिलेंगी। आपको बता दें, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की ये फिल्म 2 फरवरी 2024 को देखने को मिलेगी। वैसे आपको सेक्शन 108 का ये टीजर कैसा लगा, हमें कमेंट में बताएं। ढूंढना तो पड़ेगा, जमीन में भी गड़ा होगा ना, तो भी खुद के निकाल लूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।